मोशन पे चर्चा करनी है तो घर जाके करो ना, यहाँ क्या कर रहे हो? भैया जी जे का बात आ रही, तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही? इनको तो मिर्ची लगेगी ना मलखान, इन पर आजकल मोशनल अत्याचार चल रहा है। भैया आपको देखकर मुझे गानों याद आ रहा है। तौबा तेरो गुस्सो, तौबा तेरो प्यार, तेरो मोशनल अत्याचार। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। मुझे तो लगता है कि तिवारी भैया पागल है गए। यार बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों बिलोंडे, ये मटका कहां से फुड़वा के आ रहा है? तिवारी भैया ने हमारा सर गमले से फोड़ दो। तिवारी जी ने सर फोड़ दिया गमले से तुम्हारा? वो पागल है क्या? इज ही मैड? बदतमीजी की होगी तूने कोई 100%। क्या भैया जी तुम कमाल कर रहे हैं, हमने ना करी कोई भी बदतमीजी। हम तो सुबह फ्रेश होकर आ रहे थे और बस आपस में यही बात कर रहे थे कि आज पेट ना अच्छे से साफ होगो। बस जाई बात को सुनकर ना तिवारी भैया चिढ़ गए और गमला फेंक कर मार दो इसके सर पे। जी देख लो पट्टी बांध के पूरा काला जाम लग रहा है। जी का पागलपन है यार, तिवारी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको पेट साफ ना हो ना इतने चिड़े बैठे हैं हमसे। जी क्या बात है, अगर आपका खुद का पेट साफ नहीं इसका मतलब ये थोड़ी कि आप दुनिया से बदला लेते फिरेंगे। ठीक है तुम इसकी शिकायत लगाओ पुलिस स्टेशन में। कमा नहीं भैया रहने दो, बात बढ़ाने से क्या फायदा। ठीक है तुम अजीब बात कर रहे हो यार, अगर तुम शिकायत नहीं लगाओगे ना तो उनके हौसले बढ़ जाएंगे। आज तुम्हारा सर फोड़ा, कल को वो सक्सेना का सर फोड़ देंगे और परसों विभूति भैया का। अभी उनके गुर्दों में इतनी ताकत नहीं है कि हमारा सर फोड़ सके, हम उनका मुंह तोड़ देंगे। बढ़िया है का है भैया, का पंचायत चल रही है जो? ये क्या हो रहा है आपके राज में है पू सिंह जी? क्या हो रहा हुआ है? तिवारी जी ने इस थुलथुले बच्चे का सर फोड़ दिया गमला मार के। तो जामे कौन सी बड़ी बात है, जब सारे ने करी हुए बदतमीजी तिवारी ने पेल दाओ। कोई बदतमीजी नहीं की थी। तो मैं जा लौंडा ने अपनो वकील रखू बहुए का? नहीं तो जा लौंडा के बोलन दो ना मुंह में मारोए का गमला। बोल बेटा। मैं और बलखान सुबह सुबह है ना तिवारी भैया के घर के बाहर से आ रहे थे, हम बात ही कर रहे थे कि हमारा पेट आज साफ है गोए। बस इसी बात से जो तिवारी भैया चिड़ गए और हमसे हमारे जो है ना सर पे गमला उठा के मार दो। यार जा तो गुंडागर्दी हो गई। जी ये गुंडागर्दी है, तभी कह रहा हूँ चल के उनकी गुंडागर्दी निकाली है। आज इसका सर फोड़ा है, कल को आपका जो सर है ना खरबूजे की तरह ये भी फूट सकता है। लड़के भैया यहाँ सोफे पर का है बैठे हैं, आसन का है नहीं कर रहे हैं? अरे इतनी देर से आसन ही तो कर रहे थे पगली, अभी सर नीचे और टांगे ऊपर करके शीर्षासन कर रहे थे लेकिन कोनो फायदा नहीं हुआ, वही नतीजा ढाक के तीन पात। अच्छा तो फिर ही लीजिए चिरायता का काढ़ा पी लीजिए, शायद कोनो फायदा हो जाए। अरे यार ये तो बहुत ही कड़वा होता है भाई, एक तो सांस में पी जाइए ना। क्या क्या पीना पड़ रहा है तैया? अरे दादा और भैया तिवारी
पक्का हो रहा हूँ महाराज। अरे कछु हो ही तो ना रहे हो, पेट की बैंड बजी पड़ी है। हाँ बहुत बुरा हाल है आपका, कछु चाय वाय लेंगे? हाँ भाभी अंगूरी बढ़िया अदरक वाली पी लेंगे और साथ में तना पकोड़ा वकोड़ा मिल जाए तो मजो आ जाए। खाली पेट निकली घर से हमें। ठीक बल आते हैं, बैठिए। देखो का दरोगा जी, प्रेग्नेंट बीवी खाने वाने को नहीं देती का? जो ससुर तिवारी कैसे बेटों को सवाल है, तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है? और का, जब देखो तब भुक्कड़ों की तरह चले आते हैं हमारे यहाँ। तुम ही आते हुए तुम तिवारी जो ज्यादा हमसे चूचोपड़ न करो करो। तुम्हें कल लगा ससुर हम अपने घर से चल के तुम्हारे घर में सिर्फ फ्री को मलीदा पेलने आते हैं? तो क्या घुइया तोड़ने आते हैं? अरे यार तुम्हारे खिलाफ टीका ने रिपोर्ट लिखाई है, तुमने मासूम को खोपड़िया फोड़ दी। तो ऐसी भाई याद हरकतें करेंगे तो खोपड़िया फोड़ेंगे ना। जो भी हमारे कवच का मजाक उड़ाएगा हम उसको जरूर तोड़ेंगे, चाहे वो कोई भी हो। अच्छा तो तुम जब मोहल्ला के दादा हो गए। अरे भैया जी अब ऐसे घनी देर हो गई, दरोगा जी को अंदर गए हुए, भाई ना लौटे काफी देर से। कहीं तिवारी भैया ने दरोगा जी को तो निकुल चादो? चुप। दरोगा आपू सिंह पुलिस वाला है और तिवारी जी एक नंबर के डरपोक। गुच्छी यादव। तूने हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई? ना ना भैया, हमने आपके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज ना कराई। ना ना भैया, मैंने भी ना करवाई। हमें तो विभूति भैया ने आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा था। मम्मी टीका आजा। अच्छा भैया तिवारी चल रहे हम, ध्यान रखियो अपनों। भरभूति जी, अदि अनीता जी। भाभी जी। अनीता जी कहाँ हैं बताइए हमको। अनु को छोड़िए, आप मुझे बताइए ना मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, बैठिए ना प्लीज। नहीं हमको बैठना नहीं है, अगर आपको हमरा सेवा करना है ना। हाँ। तो लड्डू के भैया का इमोशन वापस ले आइए। भाभी जी इमोशंस, उस आदमी के पास इमोशंस, उस आदमी का इमोशन से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। भाभी जी अगर कोई इमोशनल है तो मैं हूँ, आई कैन गिव इमोशंस। अब क्या बोल रहे हैं अमरीका, चुनाई समझ आ रहा है हम लड्डू के भैया का कब्ज का बात कर रहे हैं, कब्ज का। भाभी जी आप इमोशंस की बात कर रही हैं। सही पकड़े हैं, कछु कीजिए ताकि उनको कछु हो जाए। भाभी जी मैं आपको एक राय दूं, अब एक काम कीजिए, लड्डू के भैया को घर से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि वो घर में इस वक्त ऐसे हैं जैसे घर में होता ना कूड़ेदान वैसा है। क्या बोल रहे हैं आप, वो पति है हमरे, कल को अगर आपको कब्ज हो गया और अनीता जी आपको घर से बाहर निकाल दी तो कैसा लगेगा आपको? भाभी जी अगर मुझे ऐसी प्रॉब्लम हुई तो मैं बिना बताए अनीता को घर छोड़ दूंगा और उससे बहुत दूर चला जाऊंगा। आप घर छोड़ कर चले जाते? बिल्कुल नहीं, हम लड्डू के भैया को कहीं ना ही जाने देंगे, कहीं ना ही जाने देंगे, ये मुश्किल वक्त में हम उनका साथ देंगे। Okay, calm down, calm down, calm down. I'm sorry. एक सजेशन था ये तो सिर्फ। I'm sorry. बेचारे। It's all right. भैया, भैया, भैया। अरे ओ तिवारी भैया। ऐसा भैया कि आप बाथरूम जाएं या ना जाएं, लेकिन बाकी के सब लोग बाथरूम जाएंगे। भाइयों ऐसा है कि खुशखबरी है, दूसरी तरफ से कॉलोनी की पाइपलाइन खोल दी गई है।
तो आप सब लोग बाकायदा अपने अपने बाथरूम में जाके अपनी अपनी पाइपलाइन खोल सकते हैं। तुम सारे बैठे रहो तैयार। I like it. डॉक्टर साहब, यार बाहर तो कहाँ के अंदर हैं? आप बैठिए, आप बैठिए, प्लीज बैठिए। डॉक्टर साहब, यस, आई एम हियर। बैठिए। डॉक्टर साहब, आपके बारे में बड़ा सुना है। लोग कहते हैं कि आप कानपुर के बेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, तो हमारी ये छोटी सी प्रॉब्लम है, जरा वो सॉल्व कर दीजिए, अब इसे बताइए। जी जी बिल्कुल। हाँ डॉक्टर साहब, हमारे पति का ना बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है उनका। ना बैठे चैन है, ना उठे चैन है, और कभी कभी थोड़ा उम्मीद का किरण जागता है, लेकिन बाथरूम में जाते ही वो उम्मीद भी दम तोड़ देता है। तो चुकी जी, आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। डोंट वरी, यहाँ लोग भरे आते हैं लेकिन खाली होकर जाते हैं। तो हमने लेटे के भैया को जल्दी से खाली कर दीजिए। वो भी बिल्कुल खाली हो जाएंगे। जी जी। दरअसल उनकी जो बड़ी आत है ना, वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है। जी जी। और डिस्टर्ब हो जाने के कारण छोटी आत को कुछ सप्लाई नहीं कर पा रही है, और सप्लाई नहीं पाने के कारण छोटी आत जो है वो निष्क्रिय हो गई है। जी जी जी। अब निष्क्रिय हो जाने की अवस्था में छोटी आत में एक अलग तरह की गैस बन रही है। जी जी जी। और वो गैस वो धीरे 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 करके पूरे पेट में फैल रही है। और ये जो पाचन तंत्र है ना, उसको मारते चली जा रही है। जी जी। पाचन तंतु के मरने के कारण पेट के अंदर का जो दबाव है ना, वो कम होता जा रहा है। जी जी। अब ये दबाव कम होने के कारण बड़ी आत में फिर से एक दूसरे किस्म की गैस का निर्माण हो रहा है। और वो गैस छोटी आंत से होकर निकलने की कोशिश कर रही है, और निकल भी जाती है। जी जी। और गैस निकलने के बाद आपके पेट में दर्द शुरू हो जाती है। अतड़ियां खींचने लगती है, आप बिल्कुल इरिटेट हो जाते हैं, और सोचते हैं कि सामने वाला का सर फोड़े या अपना सर फोड़े। डॉक्टर साहब को भी कफ्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लगता है इस बार बहुत ही बुरा अटैक आया है। आप लोग जरा बाहर जाइए, मैं इनका मूड सेट कर देती हूँ, आई मीन कि इंजेक्शन दे देती हूँ। अरे भाभी जी, ये कहाँ लेकर आ गए हमको? भाभी जी, सुनने में आया था कि ही इज द बेस्ट, बट आई डोंट नो, वी ऑल मेक मिस्टेक्स, आई एम सॉरी। सुनिए, जरा दरवाजा बंद करते हुए जाइएगा। जी जी। अरे यार, अब तो हद हो गई है यार जय तिवारी की। भैया विभूति, तुम शांत बैठे हो यार, ऐसे मौका पर कछु करो ना यार, तुम्हारे दिमाग में तो ऐसे 50 आइडिया आते हैं फालतू के, कछु बको। नहीं, हम मतलब है यार, बने नाक में सबके दम कर रखो है ना, तो परेशान हो गई है, तो कछु सोचो, मिलके सोचो यार। अरे दरोगा जी, तिवारी भैया को उठा के हवालात में क्यों नहीं बंद कर देते? जे का फालतू की बातें कर रहे हो लौंडे। अरे यार तिवारी ने ऐसो कौन सो बड़ो जुर्म कर दो है, जाके आवाज में अम्बा को पकड़े और हवालात में बंद कर दें यार, समझो करो। अरे तुम कमाल कर रहे दरोगा जी, तिवारी जी ने टीका का सर फोड़ दो, जे का बड़ा जुलम नहीं आगो। अरे तो कौन सो ससुर मर गो जो, ऐसे छोटे मोटे केस तो होते रहते हैं ना मोहल्ला में, आज चुका तो मटका जैसो बैठो पिल्ला खिला रहा हो, ठीक तो है। दरोगा आप सिंह जी झूठ क्यों बोल रहे हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं, सच बोलिए, जो सच है वो बोलिए। सच ये है कि आपको बहुत डर लगता है, तिवारी भैया के ऊपर हाथ डालने से आप बहुत डरते हैं, आप बहाना कर रहे हैं। मुझे तो ये भी पता चला है कि आपको तिवारी भैया ने बहुत मारा है, बहुत धोया है, कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के भगा भगा के मारा है आपको, जूते से मारा है, ये सच है कि नहीं, बताइए बताइए। आई लाइक इट। बकर बकर कर रहा हूँ सारे जब से। अरे कानपुर के ऐसे कौन से आदमी के गर्दन में दम हो गई है जो हप्पू सिंह पे हाथ उठाए सारो? तिवारी जी गुर्दन में दम है।
जब आप टीका की शिकायत लेके गए थे तिवारी जी ने आपको गिरा गिरा के मारा था, सरील कर कर के मारा था, हमने खुद देखा अपनी आंखों से। नहीं नहीं अरे यार वो कहा है कि तिवारी बड़ा परेशान देख रहे हो तो तुम समझ नहीं रहे। फालतू की बातें छोड़िए, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो बोलो। तो भैया जल्दी बताओ ना क्या आइडिया आ रहा है। देखो क्या है कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है, कहीं सुना भी है, मैंने कहीं पढ़ा भी है, और मैं जानता भी हूँ कि अगर किसी आदमी को डराया जाए तो सबसे पहले प्रेशर उसके पेट पे पड़ता है और उसके बाद वो प्रेशर जाता है उसके मोशन में। सहा नहीं जा रहा है, बेचारी अंगूरी को हमारी वजह से कितनी तकलीफें सहनी पड़ रही हैं। अरे यार अबे मर गए, अरे तेरा भभूति जी, आप भभूति नहीं ड्रैकुला। ये आपकी आंखें लाल काय हो रखी हैं? मेरी आंखों में खून है, मैं तुम्हारे जिस्म से खून का एक एक कतरा चूस जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सक द ब्लड आउट ऑफ योर बॉडी। मिस्टर तिवारी साहब खाए जाता है। लेकिन ये तो बहुत अच्छा बात है, मायके भी तो जाना चाहिए ना अपने अम्मा बाबूजी से मिलने। मैं चाहता हूँ कि हमेशा मायके में रहे। एक्चुअली भाभी जी, तीन दिन कौन प्यार करेगा मुझे? कौन करेगा प्यार मुझे तीन दिन? क्या बात करें, आपका छोटे बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे जो आपको प्यार का जरूरत है। भाभी जी मैं तो बच्चा ही हूँ ना। सुनिए, अगर आप बच्चे हैं ना
तो ये लीजिए अठन्नी और जाके लालीपॉप चूसिए। चले आते हैं हमारी बीवी को पकाने। तुम चलो अंदर। Excuse me? हमको कहाँ डांट रही है? Excuse me? मैं क्या भाभी जी को पकाता हूँ? तो और क्या करते हैं? वहाँ बिचारी भाभी जी आपके चक्कर में घुटती रहती हैं और यहाँ फालतूगिरी करने चले आते हैं। देखिए तिवारी जी, आप पजामे से बाहर आ रहे हैं, अब अपनी औकात में रहिए, समझे ना आप? अच्छा, आपकी क्या औकात है? मेरी औकात है कि मैं खड़े खड़े खरीद सकता हूँ आपको। ओहो, तो खरीद के दिखाइए। मुझे कबाड़ खरीदने का कोई शौक नहीं है। अबे अरे यार, पीपी बजा रहे हैं तो हट जाओ ना यार, बहरियों का। ओ दरोगा हप्पू सिंह जी, ये पुरानी खटारा गाड़ी में बैठ के अपने आप को धन्ना सेठ समझ रहे हैं। मैं ऐसी गाड़ियों पे थूकता भी नहीं और सेकंड थॉट थूक देता हूं, आपको अच्छा लगे। ए, अरे, तुम यार सच में थूक गए यार? जो आदमी कैसे हुए यार, बेरोजगार है तब इतना बोलते हो बड़ी बड़ी बातें, ऐसे करते हो ऐसे बिल गेट्स को ससुर भतीजो है। भैया तिवारी, जाकी अकल लगाने पड़ेगी। एक दिन नहीं दरोगा जी, आज ही निकालनी पड़ेगी। भाभी जी, दिल से बोल रहा हूँ आपको, आई लव यू। कितने दिनों से आपके दीदार नहीं हुए फुर्सत से। क्या ना, जब अनु घर पे होती है तो उसकी पास ऐसी नजरें ना मुझ पर कड़ी रहती है, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। लेकिन 3-4 दिन के लिए भी वो बाहर गई हुई है, तो आपके फुर्सत से दीदार करूँगा, दिन में कई कई बार करूँगा, आपके लिए अपने आप को बेकरार करूँगा, आपकी फोटो सही सही प्यार करूँगा। ये देखो, अनु का नाम लिया और उसका फोन आ गया, पड़ा पकाएगी यार। हेलो बेबी। नहीं, मैं सो गया था। तुम्हें बहुत मिस कर रहा था बेबी, तो तुम्हें मिस करते करते मेरी आंख लग गई, सो गया। ख्वाब में भी बस तुम्हें ही देख रहा था बेबी। बहुत नींद आ रही बेबी, कल बात करें। अरे बेबी, घर पे हूँ और कहाँ जाऊँगा यार। ओके बेबी, बाय। कितनी तेज औरत है, कितनी तेज औरत है। ये चेक करने के लिए कि मैं घर में हूं कि नहीं हूं, लैंडलाइन पे फोन कर रही है। हेलो। हेलो, अबे विभूतिया बोल रहा है क्या? मैं कौन बोल रहा है बे? अबे हमारी छोड़, तू अपनी सोच, तेरे लिए एक बुरी खबर है बे। क्या बुरी खबर है बे? ये प्रेम चौधरी तेरे दोस्त है बे। हाँ तो क्या हुआ, पुलिस पकड़ के ले गई उसको? पुलिस ने नहीं पकड़ा, झाकर कटी के पास उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वो अस्पताल में पड़ा है, और तू भी चला जा तुरंत अस्पताल। क्या? तो कौन बोल रहा भाई? हेलो हेलो। अब देखिए हम बबूती जी की कैसे बैंड बजाते हैं। हप्पू सिंह को फोन करते हैं। कोई सवारी नहीं यार, ना तो पहलू दिख रहा है ना कोई। क्या बहुती जी, किसे ढूंढ रहे हैं? तिवारी जी, गजब हो गया। क्यों, क्या हुआ? अपना प्रेम है ना, प्रेम। हाँ, क्या निकल लिया? शुभ शुभ बोलिए, दो बच्चे का बाप है बेचारा, उसका एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में है, और मुझे कैसे भी करके वहां पहुंचना है तिवारी जी, और इतनी रात को कोई व्हीकल नहीं मिल रहा, मुझे कोई सफारी नहीं मिल रही, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे जाऊंगा। तो चिंता काहे कर रहे हैं, ये गाड़ी खड़ी है ना, ये ले जाइए। नहीं नहीं तिवारी जी, दूसरे की गाड़ी है ये। अरे हमारी नहीं है तो क्या, हप्पू सिंह जी की है ना, तो कौन सा वो रात को लेने आएंगे, सुबह लेने आएंगे ना। तिवारी जी, मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है, किसी खैर की गाड़ी है, अगर कुछ 19-20 हो गया तो सारी बात आप पे आ जाएगी। अरे यार, आप कमाल के आदमी, अस्पताल में आपका मित्र मृत्यु शैया पर पड़ा है, कल को अगर उसकी टाए बोल गई तो आप जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। आप ठीक कह रहे तिवारी जी। तो फिर चिंता किस बात की है, चलिए ये चाबी लीजिए, पकड़िए, चलिए चले निकलिए। तिवारी जी, मैं आपका एहसान कैसे उतारूंगा? अरे एहसान तो हम आपकी चमड़ी उधेड़ के उतरवा लेंगे।
कुछ कहा आपने? कुछ नहीं, निकलिए यार। अरे क्या हुआ, परेशान काहे लग रहे हो? वो प्रेम टहल लिया क्या? नहीं नहीं, किसी ने उसके एक्सीडेंट की मुझे झूठी खबर दी थी, वो ठीक है, he's fine। खैर लुक चलो, वो भगवान इतनी जल्दी नहीं उठाता। खैर छोड़िए, वो गाड़ी कहाँ है भाई, बाहर नजर नहीं आ रही। हमने पूछा गाड़ी कहाँ है भभूति जी, नजर नहीं आ रही बाहर, क्या हुआ? गाड़ी चोरी हो गई। क्या गाड़ी चोरी हो गई? तिवारी जी, मैं एक्चुअली प्रेम को देखने हॉस्पिटल गया, और अंदर से जब बाहर आया तो गाड़ी नहीं थी, चोरी हो चुकी थी। अरे आपको पता है वो गाड़ी हप्पू सिंह की थी, अब उसे पता चलेगा तो हमें गोली मार देगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं पड़ोसी होने के नाते। क्या देखिए, I'm sorry. I'm really sorry. I don't know what to say. I'm sorry. अरे यार तुम भैया तिवारी ये हो यार, कब हम तो ससुर अपने घर में टिकलाव करो। आ गया यमदूत। कबूली ससुर, तुम जो बताओ, हमने कल जहाँ गाड़ी खड़ी करी थी उतने हमें दिख नहीं रही, कहाँ गई गाड़ी? चाबी दो गाड़ी की, चाबी दो हमें काम है। वो ऐसा है दरोगा जी की वो कहा मुंह से बोलोगे कछु? बस वो क्या बताएं, बस वो गाड़ी चोरी हो गई। क्या बोले तुम? जी ये महाराज, आपकी गाड़ी हमसे कल जबरदस्ती मांग के ले गए थे। जबरदस्ती? पर क्या आपने मुझसे कहा था जबरदस्ती कि आप गाड़ी लेके जाइए? मैं मना कर रहा था, उसके बावजूद आपने फोर्स किया मुझे, और आप कह रहे मैं जबरदस्ती? नहीं, लेकिन ले तो गए थे ना भभूति जी। देखो भैया तिवारी, जा आदमी से तो हमें कछु लेनो देनो है नहीं है, जो तो ठहरो ससुर नल्ला। हम तुमसे जो कह रहे हैं कि हमने तुम्हारे हाथ पे चाबी दी थी, गाड़ी तुम्हारे द्वारे खड़ी करी थी, तुम या तो गाड़ी दो या 40,000 रुपये दो सीधे सीधे, आग लगा के रखो वे ससुर, गाड़ी ही चोरी हो गई। मजाक बना के रखो वे, कर रहे हो वे, गाड़ी मिल जाएगी ससुर। दरोगा जी यार, अब गाड़ी तो मिलने से नहीं, अब लाइए 40,000 रुपये, लाइए निकालिए। 40,000 रुपये मैं कहां से लाकर दूंगा तिवारी जी, मेरे पास तो 40 रुपये नहीं है। तो फिर हम अप्पू सिंह को क्या जवाब देंगे यार? तिवारी जी मेरा यकीन कीजिए, मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं मेहनत करूंगा, मुशक्कत करूंगा, लेकिन मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, प्लीज तिवारी जी प्लीज। भाई देखो, हमें नहीं लगता कि इस जन्म में आप 40,000 लौटा पाएंगे। तो क्या करूं, क्या करूं बताइए, मैं क्या करूं? तो ठीक है, फिर एक काम कीजिए, आप हमारे नौकर बन जाइए। आपने शक्ल देखी है अपनी, हैं? आपकी औकात है मुझे नौकर रखने की? आई एम अ छपरा यूनिवर्सिटी टॉपर, फर्स्ट क्लास फर्स्ट, एंड आई एम अ इंग्लिश स्पीकिंग डूड, राइट? तो ठीक है, फिर हम भाभी जी से कह देंगे सारी राम कथा। चलिए। नौकर बन जाऊं? क्या कहा? मैं नौकर बनूं? अरे क्या कहा यार, सुना नहीं क्या कहा? मैं नौकर बनूंगा। चलिए ठीक है, फिर अब से आप हमारे नौकर हुए, तो हम आपको हर महीने 10,000 रुपये देंगे, तो 4 महीने के हिसाब से 40,000 हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलिए काम पे, लग जाइए, लगिए काम पे। This is not fair. पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।